हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। नहीं चले अपना मेरे साथ मेरी स्टूडेंट जो कि बहुत ही एक्साइटेड है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कहाँ से आती है और किस डिपार्टमेंट में है? सीधी करो। हेलो मैम, क्या हाल चाल है? ठीक है। लखनऊ में मुस्कुराइए, क्या लगता है आपको कि 15 दिन इनफ है आपके लिए या कम पड़ जाएंगे? अब मैं क्या बोलूं? नहीं, नहीं, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगी तो ठीक, और प्रैक्टिस नहीं करोगी तब बगैर प्रैक्टिस के कैसे बात बनेगी? कोई भी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो करेंगे तो गाड़ी है तो जरूर गाड़ी है, डेली निकालो, डेली घर की गाड़ी तो रोज चलाओ, डेली जितनी मर्जी उतनी देर चलाओ, आराम से धीरे धीरे। हाँ, चलते रहिए, सीधा चलना है। तो दोस्तों सिंगल रोड पे हमें कार कैसे चलानी चाहिए? अक्सर क्या होता है, जो न्यू बिगिनर होते हैं वो सिंगल रोड पे जाने से कतराते हैं, हमेशा डरते रहते हैं। मेरे पास जितने स्टूडेंट आते हैं उनको सिंगल रोड के लिए बोलो तो कहते नहीं नहीं भैया उधर पिकनिक स्पॉट की तरफ ले चलो। लेकिन एक्चुअल में बताइए प्रतिभा जी, सिंगल रोड पे ज्यादा सीखने को मिलता है या खाली रोड पे? नहीं नहीं, खाली रोड पे तो हम एकदम डरेंगे। डिवाइडर रोड पे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है। सिंगल रोड पे देखो सामने से कार आ रही, ट्रैक्टर आ रहा है, इंसान आ रहे हैं, हर बंदा। और खाली रोड पे क्या होता है ना कि कुछ भी नहीं दूर दूर तक। तो जितना ज्यादा भीड़ में गाड़ी चलाएंगी उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है, सीखने को भी मिलेगा, हर चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी, हर चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अगर आप खाली राइट और खोल का राइट, हाँ, खाली रोड के चक्कर में रहेंगे तो बहुत कुछ आपका रह जाएगा। लॉन्ग हॉर्न पुश करिए, अब ऐसी कंडीशन में ब्रेक पे जरूर पैर ले आया करिए, जरूरी नहीं है कि लगाना है, बट इमरजेंसी के लिए आपको अलर्ट हो जाना है, समझ गए? जरूरी नहीं कि लगाना है, बाकी इमरजेंसी के लिए आपको अलर्ट हो जाना है। ज्यादातर नए लोगों के साथ क्या होता है, अचानक जरूरत होती है ब्रेक की और दब जाता है एक्सीलेटर। हल्का सा राइट रखो, क्लच और ब्रेक पे पैर रखे रहना हल्का, हाँ बस जाने दो धीरे धीरे। अभी अपना राइट रखो, धीरे 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 गाड़ी बढ़ा लेनी है। अब देखो यहाँ ब्लाइंड टर्न है, अपना लेफ्ट दबा के निकाल लो। सिंगल रोड पे अगर आप चलते हो और लर्नर हो तो आप जितना लेफ्ट दबा के रखेंगे सदा सुखी रहेंगे, और हर इंसान चाहता है कि हम सदा सुखी रहें, है ना? अब अपना लेफ्ट रखने से दो फायदे हो जाएंगे, लेफ्ट आओ लेफ्ट। देखो राइट में वैन वाला सटा के जा रहा था। मोस्टली मेरे लिए मेरे जो सिखाने का वो इसी रोड पे रहता है, इस रोड पे कम से कम सुबह से शाम तक 100 चक्कर जरूर लगते हैं। बच्चा बच्चा जानता है गाड़ी को, बच्चा बच्चा पहचानते हैं, पहचान गए हैं। गाड़ी चेंज होती रहती है, जैसे ऑल्टो है, वैगनार है, सेंट्रो है, जेन है, ये सब गाड़ियां जो है तो गाड़ी चेंज होती रहती है, बट गाड़ी की कंडीशन से सिचुएशन से पता चल जाता है कि लर्निंग की गाड़ी। और पीछे लिखा भी है हल्का राइट रखो। राइट रखो थोड़ा, हाँ और राइट, हॉर्न हॉर्न, राइट रखो राइट और राइट, कट थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, हल्का लेफ्ट आओ, इन रोडों पे अचानक जानवर और बच्चे भी दौड़ के आ जाते हैं, पता है आपको? ब्रेक ले लो हल्का सा, स्पीड ब्रेकर है सामने, राइट को गोलगप्पे वाला है, जाओ छोड़ो ब्रेक। अब यहाँ पे आपको पूरा क्लच लेना चाहिए था, गाड़ी गाड़ी का इंजन बंद होते होते बचा है, फुल क्लच, फुल क्लच ले लेना चाहिए था राइट को। फुल क्लच लेने से इंजन नहीं बंद होता, जो इंजन बुझने की कंडीशन हो जाती है, राइट रखो, सीधा जाना है। जो हम लोग हाफ क्लच पे कर देते हैं, हाफ क्लच पे गाड़ी धीमी करी जाती है, रोकी नहीं जाती है। यहाँ पे तो आपने ब्रेक इतना ले लिया था कि गाड़ी आपकी खड़ी होने की कंडीशन में थी। हल्का राइट रखो, राइट 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 राइट, लेफ्ट 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 लेफ्ट, फुल क्लच लेके तब ब्रेक, फुल क्लच लेके फिर ब्रेक लेना होता है, जिससे कि कार का इंजन कंट्रोल बंद ना हो, बुझे ना। हल्का सा स्पीड बढ़ा लो और अपने लेफ्ट वाले
ORBM को ज्यादा ध्यान दिया करिए, पूरी गर्दन मत घुमाया करिए प्रतिभा जी, सिर्फ आंखों की इशारे कैसे करते हैं, इशारे जैसे मतलब हल्के जैसे किसी को इशारे करने हैं या मतलब हल्का सा इशारे से किसी को देखना है तो पूरी आंखों की पुतलियां घुमानी होती है, ठीक है। बस लॉन्ग हॉर्न पुश करो, राइट रखो हल्का, राइट राइट। हाँ बाकी इशारे से तो समझ में आ ही गया होगा। ब्रेक पे पैर रखो, गुड। अब यहाँ से चलना है हमें राइट, सिग्नल दीजिए राइट का, क्लच और ब्रेक पे पैर रख के टर्न करना है क्योंकि ब्लाइंड टर्न है ना, आगे क्लच और ब्रेक पे पैर रख लेना। अभी देखो सामने से स्कूटी वाला भी आ रहा है, अब टर्न करो राइट, गुड। अभी अपना लेफ्ट ही रखो, अपना लेफ्ट ही रखो लेफ्ट, हाँ अपना लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना, और लेफ्ट आओ, हाँ थोड़ा सा गुड। अब यहाँ से आराम से अपना लेफ्ट दबा के, ताकि राइट से अगर कोई फॉर्च्यूनर भी आ जाए तो वो आपको डिस्टर्ब ना करे। अब स्लो रखो, स्लो राइट रखो, राइट राइट। सब ब्यूटी पार्लर से निकल के आई, लेफ्ट से निकाल लो जल्दी से, लेफ्ट आ जाओ लेफ्ट, और सटाओ लेफ्ट, और सटाओ, इनको छेड़ो मत। देख रहे मुल्तानी मिट्टी लगा के जा रही है, लेफ्ट आओ, सब किट्टी पार्टी में जा रही है। हाँ हल्का राइट रखो, अपना लेफ्ट आ जाओ। गाय तो फिर भी समझदार है, सुन लेती, भैंसे नहीं सुनती है, समझ रहे हैं जी, निकाल लेगा, निकाल लेगा। बहुत बढ़िया, सदा सुखी रहो, क्लच और ब्रेक पे पैर रखे रहो, धीरे धीरे चलते रहना, प्यार से एकदम, ठीक है, घबराना नहीं है कतई, मैं बैठा हूँ, धीरे धीरे चलते रहो। अब देखो सामने आ रहा है ट्रैक्टर और आ रही पीछे बिठा रहा ब्रिजा, राइट वाला पैर ब्रेक पे रख लो, बट ब्रेक दबाना नहीं है, ऐसे इमरजेंसी के लिए ब्रेक पे पैर रखना जरूरी है। इन सब कटों पे हॉर्न दिया करिए, कभी भी राइट और लेफ्ट से कोई भी निकल आता है, ठीक है, जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी उसकी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी। अब अपना लेफ्ट ही दबा के रखो, और आगे से चलना है हमें राइट, राइट टर्न करना, गाड़ी लेफ्ट दबा के रखो, हाँ क्लच और ब्रेक पे पैर रखे रहना, और लेफ्ट आओ, यहीं से राइट जाना, टर्न करो, बस सीधी करो, बस आगे से हमें लेफ्ट चलना, क्लच और ब्रेक पे पैर रखे रहना, ब्लाइंड टर्न है क्योंकि बगल में पुलिस स्टेशन है, ठीक है, तो लेफ्ट में एकदम अलर्ट रहना, स्लो करके, हाँ स्लो करके यहीं से लेफ्ट, हाँ बस टर्न करो, टर्न करो, गुड, सीधी करो सीधी, देखो इंस्पेक्टर साहब उतरे, हल्का राइट रखो, राइट, हाँ राइट रखो, राइट 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 राइट, लेफ्ट आओ हल्का, राइट रखो थोड़ा राइट, हाँ अब यहाँ से लेफ्ट चलना, टर्न करो धीरे धीरे, टर्न करो, गुड वेरी गुड, क्या बात है मैडम, हल्का लेफ्ट आओ, राइट रखो थोड़ा सा, गजब, क्या टर्न करी है गाड़ी आपने, डर नहीं लगा, अरे डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पियो, और लेफ्ट आओ हल्का, राइट रखो थोड़ा सा, आज इतनी खतरनाक गाड़ी चल रही है कि एकदम, बस हल्का राइट रखो, राइट राइट राइट, मैडम तो मोरंग थी तो आपने एक बार भी उसको पासिंग दी पर क्यों नहीं दिया, आप क्यों लेफ्ट 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 दबाती चली गई, 50 मीटर पहले आपको अलर्ट रहना पड़ता है, आप घुसते चले गए, घुसते चले गए, राइट रखो हल्का सा, आपने जो कहा मैंने सुना, नहीं सुना, सुने उसको अप्लाई भी करना, सुनने से कुछ नहीं होता है, समझ गए, ये देखो क्या करा, गाड़ी पूरी तरीके से आपकी निकली नहीं, रेडी को क्रॉस नहीं की, और आपने लेफ्ट दबा दिया, जहां बैठी हूं वहां से पीछे भी तो 4.5 फीट भाई गाड़ी है, वो कौन, ये स्कूटी थोड़ी है कि फुदक के इधर फुदक के उधर, समझिए बात को, नहीं गाड़ी टकरा जाएगी, पीछे का भी इससे आपको अपने लेफ्ट वाले ORBM को देखते हुए कार को ओवरटेक करना चाहिए, ताकि लेफ्ट का अंदाजा रहना चाहिए, हल्का राइट दबा लो, हाँ बस लेफ्ट आ जाओ, सीधा चलना है, लेफ्ट आओ, हाँ जाने दो, हल्का राइट रखो, बस यहीं से राइट का सिग्नल दो, यहीं से राइट टर्न करना, राइट रखो, देखो स्कूटी में सटा दिया आपने, टर्न करो धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे टर्न करो, चलो क्लच ब्रेक रिलीज करो, धीरे धीरे जाने दो, अभी आपने देखा लेफ्ट में जो स्कूटी खड़ी थी उससे एकदम आपने सटा दिया, मुझे लग रहा है 1 से 2 इंच का ही फासला था, इतना सटाओगी मैडम तो फिर दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा दूरी बना के रखो, समझ रहे, थोड़ा डिस्टेंस
मेंटेन रखो, हल्का राइट रखो, हॉर्न ठीक है। कल से कुशन ले आएंगे आपके लिए, और बताइए आदेश करिए आप, कुशन चाहिए? हाँ, हाँ, कल से ले आएंगे कुशन, अभी जाके ऑर्डर दे रहे हैं, अभी बन अरे जाएगा। मेरे पास रखे, मैं ही ले आती हूँ। तो आप ही ले आइएगा फिर, तो कोई दिक्कत नहीं है, पास रखी है। अब सामने देखो आ रहा है स्पीड ब्रेकर, ठीक है, स्पीड ब्रेकर 1 से 1.5 फीट ऊंचा है, साइड दे दो इसको, ब्रेक पे पैर रख लो प्रतिभा जी, जब आप ना साइड दिया करो किसी को तो राइट वाला पैर ब्रेक पे जरूर रख लिया करो, ठीक है, नहीं तो अब इसको करो फर्स्ट गियर में क्लच दबा के, लेफ्ट जाओ, हाँ ऊपर जाओ, गुड। अब यहाँ पे क्लच दबा के रखना, ब्रेक को छोड़ दो, ब्रेक को छोड़ दो, क्लच दबा के रखना, ठीक। अब जैसे अगले टायर निकले पहले ब्रेक छोड़ो, क्लच छोड़ो, गाड़ी निकल गई, निकल गई ना, कूदी ना कुछ, ठीक है। अब यहीं से लेफ्ट टर्न करना है आपको, लेफ्ट यहीं से कि आगे से? यहीं से लेफ्ट टर्न करना, लेफ्ट टर्न करना, लेफ्ट, और 2 से 3 मिनट में पिकनिक स्पॉट के गेट पे पहुंचना है। कितना कितना लेफ्ट आओ, लेफ्ट राइट खोल कर, राइट 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 राइट, लेफ्ट आओ, लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ ठीक है, स्पीड बढ़ाइए मैडम, चलो पिकनिक स्पॉट पे एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है उसको लेना है, स्पीड बढ़ाइए, लेफ्ट आओ, बस आराम से क्लच दबा के सेकंड गियर करिए। गजब क्या गियर लगाया मैडम आपने, कति जहर, बहुत प्रैक्टिस हुई है सर, बहुत बढ़िया। राइट कॉल का, हाँ नीचे मत देखा करो, सामने देखा करो मैडम, ठीक है थोड़ा गियर, हम कब कह रहे खराब है, हम भी तो कह रहे ठीक ही है। हॉर्न हॉर्न हॉर्न, देखो देखो देखो, रोक लो पूरा क्लच ब्रेक, कहाँ जाओ, बिजली का तार था मैडम, तुमको भी तो देखना चाहिए मुझे। दोनों चिपके मिलते अभी हिल रहे होते गाड़ी के अंदर ही बैठ के फिर स्पीड ब्रेकर आए, क्लच और ब्रेक पे पैर रख लो, जाने दो धीरे धीरे, राइट खोल कर राइट। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम।